आज हम क्लास में जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पढ़ेंगे। आत्मकारक, अमर्त्यकारक, घातीकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, राइट। उससे पहले हम कुंभ राशि का ले लेते हैं। आप में से कोई ये वीडियो ले लीजिए। हमारा राहु केतु का ट्रांजिट जो लाइव है वीडियो, लॉट ऑफ क्वेरीज आर कमिंग। मैं ये वीडियो के माध्यम से पूरा दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यू नो राहु का और केतु का ट्रांजिट यदि आपको फेवर में काम करना है तो आपको परिश्रम करना होगा, हार्डवर्क करना होगा। 2023 का एंड, 2024, 2025, दो साल राहु केतु का ट्रांजिट जो होने वाला है स्पाइसेस में और वर्गों में लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होगा, राइट। और आप में से बहुत से लोग कंसल्टेशन के लिए आ रहे हैं, हम विद इन 24 आवर्स एड्रेस कर रहे हैं। आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दिया जा रहा है। यदि हमारे पास टाइम ज्यादा होता हम टीम बनाने बढ़ा रहे हैं अपना टीम, सो यू नो प्रोबेबली विल एबल टू टेक मोर कंसल्टेशन इन ए गिवन 24 to 48 आवर्स टाइम, राइट। तो इसलिए आप आइए वीकेंड्स में, हम आपका डिटेल्स दीजिए और हमसे संपर्क कीजिए और आप हम यू नो से मदद ले सकते हैं। आपको क्या सोल्यूशंस, रेमेडीज, गाइडेंस, यू नो प्रडिक्शंस, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ प्रडिक्शंस नहीं है, राइट। आप उपाय लीजिए, रेमेडीज लीजिए, गाइडेंस लीजिए, मंत्र लीजिए, वास्तु लीजिए, नक्षत्र लीजिए, तब जाके आपका जीवन बेहतर होगा। सो कमिंग बैक टू आवर वीडियो, हमारा ऑलरेडी दूसरे एसेंडेंट्स के ऊपर मकर लगन, जेमिनी लगन, यू नो बाकी तुला लगन, स्कॉर्पियो लगन और भी बाकी जितने भी लगन हैं, लॉट ऑफ वीडियोस आर लाइव, आप जाके देख सकते हैं। ये आज हम कुंभ राशि के लिए बोलेंगे। तो जब जैसे मैं बोलता हूं, राहु जब आ रहे हैं आपके स्पाइसेस में कुंभ राशि, राइट, राहु शनि के लेफ्ट हैंड है और केतु राइट हैंड है, राइट। तो मोस्ट प्रोबेबली आपका यदि कुंभ लगन है आपको बोथ फर्स्ट और सेकंड हाउस का दोनों का रिजल्ट आएगा, राइट, बट मोर प्रोबेबली द सेकंड हाउस, राइट। सो फाइनेंशियल इश्यूज जो हो रहा है उसमें अप्स एंड डाउन्स चलेगा, पर घर से आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है, राइट। यही है सेकेंड हाउस का दारोमदार। यदि आपका महादशा, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में, राइट, नवांश चार्ट, भावचाली चार्ट, गोचर, अष्टवर्ग, विनाष्टक वर्ग, चंद्रकला नाड़ी, बृहधरा पराशर, जैमिनी एस्ट्रोलॉजी और भृगु चक्र पद्धति, ये सब आप देख सकते हैं 10-12 तरह तरह से। तो अच्छी बात है, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं ये सब मांगिए, नहीं तो हमारी टीम से संपर्क कीजिए, हम ये सब करके प्रोफेशनली आपको डिलीवर करते हैं विद इन 24 to 48 आवर्स में, राइट। तो मैं जैसे बोल रहा था, राहु इधर आ रहे हैं कुंभ राशि में, मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है और अप्स एंड डाउन्स भी हो सकता है, पर आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं अपना चैट को एनालाइज करके, रेमेडीज लेके, उपाय लेके, सॉल्यूशंस लेके, राइट। और केतु आ रहे हैं 8th हाउस में, 8th हाउस होता है हिडन इनकम, राइट, दूसरे लोगों का पैसा, बट एट द सेम टाइम्स इट क्रिएट्स अनफॉर्चुनेट डिजीजेस, राइट, ऐसे ऐसे डिजीजेस, ऐसे ऐसे बीमारी देता है जो तकलीफदायक होता है, जो जाता भी नहीं और रहता भी नहीं, राइट। यू गो टू ए डॉक्टर, डॉक्टर इज अनेबल टू डायग्नाइज ऑल्सो, राइट। तो यही प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए आपको रेमेडीज, सॉल्यूशन, गाइडेंस, एनालिसिस, दो साल बोल रहा हूं, यदि आप 5 साल 10 साल के लिए भी रेडी होना चाहते हैं हम कर देंगे। आप रेडी हो जाइए यू नो अपने लाइफ को मार्गदर्शन देने के लिए, राइट। राहु आ रहे हैं बृहस्पति के राशि में और केतु जा रहे हैं मरकुरी के घर में, राइट। तो यदि राहु का महादशा बृहस्पति का महादशा या केतु का महादशा बृहस्पति, सॉरी बुध का महादशा, राइट, और नक्षत्र भी देखना होगा। राहु आ रहे हैं रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और केतु जा रहे हैं चित्रा नक्षत्र में। तो ये डिटेल हम आपको करके दे रहे हैं और हमारा सब प्रेडिक्शंस, राइट, वर्ल्ड मार्केट्स के ऊपर, वर्ल्ड इवेंट्स के ऊपर, हमारा सबसे बड़ा प्रेडिक्शन जो वीडियो में चल रहा है 30 इयर्स में जो नहीं हुआ है, हमने बोला था मिडिल ईस्ट में क्राइसिस होगा, वो हो रहा है। वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस यू नो 100% ट्रू आया है, हमारा फीफा वर्ल्ड कप प्रेडिक्शन 1001%, इंक्लूडिंग जितना स्पोर्ट्स के ऊपर है, सेलिब्रिटीज के ऊपर है, क्लाइंट्स के ऊपर है। आप भी बेहतर अपना लाइफ को बना सकते हैं, ये कंसल्टेशन लेके अपने जिंदगी को मार्गदर्शन दे सकते हैं, राइट। सो हम नेक्स्ट टाइम और एक लग्न को लेंगे और एक एसेंडेंट्स को, यहीं पे विराम देते हैं। आपका जिन लोगों का कंसल्टेशन बाकी है हम ये वीडियो के बाद लेते हैं। और जय ज्योतिष, जय भारत, जय एस्ट्रोलॉजी।